हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमवर्स ट्यूटोरियल। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर ऑर्गेनिक का, जो कि वेरी बेसिक चैप्टर है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इज रिलेटेड टू सम कंपाउंड्स व्हिच आर क्लासिफाइड इनटू एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड सम अदर क्लासिफिकेशंस आल्सो प्रेजेंट, बट टुडे वी विल डिस्कस दिस फोर स्पेशली। नाउ just look at this table. It is very simple tabular representation so that we can easily correlate between them. हम आसानी से compare कर सकते हैं, okay? कि कैसा aromatic compound होगा, कैसा homo aromatic compound होगा, कैसा होगा आपका non aromatic, anti aromatic. तो देखो, सारे के सारे जो compound है वो एक cyclic compound है। देखो, हर एक column में cyclic तो लिखा है, हर एक कॉलम में साइक्लिक तो लिखा है। मतलब हम जो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक जो भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे, ये सब सारे के सारे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इधर देखो, एरोमेटिक प्लानर होता है और एंटी एरोमेटिक भी प्लानर होता है। सो बोथ आर देम आर प्लानर। एरोमेटिक आर प्लानर एंड साइक्लिक, एंटी एरोमेटिक आर ऑल्सो प्लानर एंड साइक्लिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉन प्लानर एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्टली प्लानर एक्सेप्ट वन एटम और ग्रुप। अब हम देखते हैं कि कैसे मोस्टली प्लानर, मतलब ये कि अब समझ रहा है। अब देखो, इधर इस कंपाउंड को देखो, इधर एक दिस कार्बन, ये एक कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है। दिस sp3 कार्बन, sp3 कार्बन मीन्स दिस इज आउट ऑफ प्लेन। दिस ऑल आर sp2 कार्बन। ओके, इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर व्हिच वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सून, we will discuss this kind of hybridization and then you can correlate these things easily. Although these are very simple things, you have already encountered these hybridization sp2 sp3 in class 12 or 11 whatever. तो देखो, इधर जो कार्बन है ना, ये कार्बन क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर चला जाता है इस प्लेन के। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ प्लेन, बट दिस कार्बन इज अबव दैट प्लेन। इससे क्या होता है, इससे जो होता है देखो, ये एक कॉन्जुगेशन पैदा करता है। कैसा कॉन्जुगेशन, देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। ऐसे एक कॉन्जुगेशन पैदा हो जाता है। क्लियर? ऐसा एक कॉन्जुगेशन पैदा हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, देखो इसका स्टेबिलिटी एक एरोमेटिक कंपाउंड का ही ऑलमोस्ट नियरली एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है। क्लियर? ऐसे एक कॉन्जुगेशन, इधर ये जो चार्ज डिलोकलाइजेशन होता है इधर, क्लियर? ऐसे हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। तो देखो, पहले एरोमेटिक कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड आर सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। देन वी कैन से दैट दीज आर इन कॉन्जुगेशन। इफ अनदर डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन वी कैन से दिस थ्री डबल बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन। तो ये कॉन्जुगेशन बहुत ही एसेंशियल एक पैरामीटर होता है एरोमेटिसिटी का, जो कि कॉन्जुगेशन मिलेगा आपका इधर भी, जैसा कि मैंने दिखाया, कॉन्जुगेशन एक्सेप्ट वन नॉन प्लानर एटम और ग्रुप। क्लियर? ये नॉन प्लानर एटम और ग्रुप के अलावा पूरी की पूरी जो मॉलिक्यूल है उधर कॉन्जुगेशन रहेगा। ऐसा ही हम कुछ देख सकते हैं एंटी एरोमेटिक में। तो देखो, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, आसान भाषा में हम रेजोनेंस बोल सकते हैं। रेजोनेंस इज प्रेजेंट ओनली इन दैट केस वेयर प्लेनरिटी इज प्रेजेंट। इफ देयर इज नो प्लेनरिटी, देन देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्जुगेशन। क्लियर? सो इन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एज इट इज नॉन प्लेनर, सो इट इज नॉन, नो कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल देयर। अगर ऐसे डबल बॉन्ड रहे भी, लेकिन अगर वो ठीक से प्लेन में नहीं रहा, तो उसमें तो कॉन्जुगेशन नहीं आएगा ना। तो देखो, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड हुकेल रूल को ओबे करते हैं। हुकेल रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ n का वैल्यू एक हो सकता है, जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, दो, तीन, ऐसा। इफ n इक्वल्स टू जीरो, देन इट विल बी 2, 4 × 0 + 2, मतलब क्या होता है, 2π इलेक्ट्रॉन। ऐसे 4 × 1 + 2, 6π इलेक्ट्रॉन। 4 × 2 + 2, 10π इलेक्ट्रॉन। देखो, 4 इलेक्ट्रॉन का गैप में आता है। क्लियर? ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होता है वो आपका एरोमेटिक होगा। अब हम ये कैसे देखेंगे कि ये सारा का सारा ऐसा होता है या नहीं। देखो, सिंपल बेंजीन ले लो, आप सब
को तो ये पता है ना कि बेंजीन तो एरोमेटिक होगा, क्योंकि हम 11 से पढ़ते आए हैं कि बेंजीन एरोमेटिक सिस्टम है। कैसे, देखो इधर कितना डबल बॉन्ड है, देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन बोला है, ओके पाई इलेक्ट्रॉन इज मेंशन, तो हम सिंगल बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। जहाँ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना, उधर एक ही सिग्मा बॉन्ड है, पाई तो नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो मेरा वीडियो आएगा इनऑर्गेनिक का, उधर मैं ये एक बार रिपीट कर दूंगा, ऑल दो इट इज़ वेरी सिंपल क्लास 11 कॉन्सेप्ट, फिर भी हम बोल देंगे कि ऐसे हम क्यों सिर्फ डबल बॉन्ड को हम कंसिडर कर रहे हैं। इधर कितना डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में कितना बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये 3 जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में तो पाई बॉन्ड का कोई सवाल ही नहीं आता। तो देखिए इस बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड मीन्स 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है, सो 3 × 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना पाई इलेक्ट्रॉन आया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया। इफ देयर इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन देन इट इज प्लैनर। फर्स्ट थिंग इज इट इज प्लैनर। हाउ कैन वी डिटरमाइन इट इज प्लैनर, बिकॉज ऑल द कार्बन्स आर sp2, ऑल द कार्बन्स आर sp2, दैट्स व्हाई इट इज प्लैनर। साइक्लिक कॉन्जुगेशन इज देयर एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो इट इज एरोमेटिक। ऐसे हम दूसरा देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज मीन्स ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन की बराबर हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ले सकते हैं, ओके ऐसा कॉन्वेंशनल हम ले सकते हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में तो जाएगा। अगर ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये बराबर एक पाई बॉन्ड की तरह ही एक्ट कर रहा है ना, ये तो पाई बॉन्ड ही फॉर्मेशन हो रहा है अगर कॉन्जुगेशन होगा। तो ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब 2 2 4 2 6 6 में 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कुछ इधर देखो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब कुछ नहीं समझना, ओके मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होने के नाते कार्बोकैटायन क्या होता है, प्लेनर होता है, sp2 होता है जनरली। तो देखो ये बात भी हम जब रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ेंगे तो आपको कार्बोकैटायन का डिटेल मैं वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे उधर, तो आपको आसानी से पता भी चल जाएगा कि कैसा हम बोल रहे हैं। तो कार्बोकैटायन तो प्लेनर होता है, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, मतलब ये देखो ऐसे तुम रेजोनेंस समझ सकते हो, है ना, ये देखो ये आसान कॉन्सेप्ट है। मुझे पता है कि कोई कोई सोचेगा मैं इतना आसान चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है। अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है ना, तो आप जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, नेट गेट और उससे भी हायर लेवल कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे। इसलिए मैं हर एक चीज़ को ऐसे समझाता रहता हूँ, ओके। तो ऐसे हम कॉन्जुगेशन देख सकते हैं ना, तो कॉन्जुगेशन होता है मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये प्लैनर सिस्टम है, ये पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये sp2 है, प्लैनर सिस्टम है, और ये पॉजिटिव चार्ज भी डिलोकलाइज हो रहा है, तो डिलोकलाइज अगर होगा तो क्या होगा, इधर कॉन्जुगेशन है, प्लैनर है, साइक्लिक है, और कितना पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो इधर जो पिरोल, दिस कॉम्पाउंड इज कॉल्ड पिरोल, हेटरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे, ये पिरोल है, ये थायोफिन है, इसे पिरोल बोलते हैं, इसको थायोफिन बोलते हैं, इसको फ्यूरान बोलते हैं, इसको पिरिडिन बोलते हैं, ओके पिरोल, थायोफिन, फ्यूरान, पिरिडिन। इधर देखो जो लोन पेयर है ना, इधर 2 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर, इधर 2 में से 1 लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट अगर करेगा, तो देखो नेगेटिव चार्ज जब पार्टिसिपेट कर रहा था उसको मैं कॉन्सिडर किया, तो लोन पेयर को भी हमको कॉन्सिडर करना होगा ना, तो ऐसे हम कॉन्सिडर करते हैं लोन पेयर को भी। तो क्या होता है, देखो ये लोन पेयर ऐसे ऐसे कॉन्जुगेशन देते हैं सारे के सारे तीनों में, तो अगर ऐसा कॉन्जुगेशन देगा तो ये भी कॉन्जुगेशन होगा, तो 2 लोन पेयर के लिए आता है, और 2 पाई बॉन्ड है, 2 + 2 + 2 टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऑल ऑफ दीज आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो ऑल ऑफ देम आर साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मीन्स 4n + 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रूल इज फॉलोड, समझ आया। तो ऐसा ही हम पिरिडिन के बारे में देखते हैं, लेकिन पिरिडिन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लोन पेयर है, इसका अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट हमारा कॉन्जुगेशन के लिए सही नहीं है, कॉन्जुगेशन के लिए प्लैनरिटी का चाहिए, और प्लैनरिटी मतलब इधर जो हम कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे अगले वाले एरोमेटिसिटी का अगले वाले चैप्टर ही हम डिस्कस करेंगे, जीओसी हम पढ़ेंगे, जीओसी में हम देखेंगे कि रेजोनेंस में कैसा होता है, क्लियर। तो उधर आपको ये सारी चीज़ बहुत आसानी से समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे चीज़ मैं इधर जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपको 11-12 के बुक में भी मिल जाएगा, आज की जो ये एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स का जो लिस्ट मैं लेकर आया हूँ।
ये जो सारा के सारा लिस्ट इधर लिखा है ना इस टेबल में, ये सब 11, 12 का बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन देखो मैं फिर भी रिकैपिचुलेट करता हूँ, ये जो पिरिडिन है ना, बेंजिन की तरह ही समझ सकते हैं कि इसका जो पी ऑर्बिटल्स है ऐसे हम बॉन्ड करते हैं, और जो लोन पेयर है इससे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ऑर्बिटल में रहते हुए ये लोन पेयर इस डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो 1, 2, 3 पाई बॉन्ड मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो ऐसे ही हम होमो एरोमेटिक सिस्टम को देखते हैं। होमो एरोमेटिक सिस्टम मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया कि इसका जो प्लैनर नॉन प्लैनर ग्रुप है उसको छोड़ के बाकी सारा क्या हो जाएगा, एक एरोमेटिक सिस्टम की तरह ही काम करेगा। देखो ऐसा क्या है, ये देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कुछ नहीं हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इधर डीलोकलाइजेशन में तो पार्टिसिपेट कर रहा है। कितना बॉन्ड है, 1, 2, 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड्स मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो देखो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल आर जस्ट लाइक एरोमेटिक कंपाउंड, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं क्या, होमो एरोमेटिक। क्लियर? ऐसे ही नॉन एरोमेटिक देखो साइक्लिक होगा, नॉन प्लैनर होगा, नॉन प्लैनर मतलब नो कॉन्जुगेशन, और इसका वो सब 4n+2 ऐसा कुछ रूल भी नहीं होता इधर, तो आपको आसानी होगा समझने में। देखो इधर एक साइक्लो, इट इज साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन, ऐसा मॉलिक्यूल है साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। इसको देख के तो बहुत प्लेनर लग रहा है लेकिन ये प्लेनर है नहीं, ये है इस तरह का शेप को हम बोलते हैं टब शेप, इसको हम टब शेप बोल सकते हैं, टब लाइक स्ट्रक्चर। और अगर एक टब लाइक स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, इधर आप समझ सकते हैं कि ये नॉन प्लैनर हो गया। अगर नॉन प्लैनर स्ट्रक्चर है तो इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं होगा। देखो अब हम एंटी एरोमेटिक जो देखते हैं, एंटी एरोमेटिक ठीक इसका ही रिवर्स आप समझ सकते हो कैसे, ये प्लैनर साइक्लिक तो कॉमन होगा, कॉन्जुगेशन कॉमन होगा, रिवर्स नहीं सॉरी, इसका जो एक चीज़ अलग है ये 4n+2 रूल, 4n+2 रूल है इधर एरोमेटिक में, इधर होगा देखो 4n+2 रूल है एरोमेटिक में, और इधर क्या होगा आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन। एन का वैल्यू जीरो तो हम नहीं ले सकते, तो जीरो हो जाएगा उसका तो कोई मतलब नहीं होता, इसलिए एन का वैल्यू 1, 2, 3 मतलब 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई ऐसे हम लिखेंगे। देखो ये जो दो बॉन्ड है ये तो कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है, लेकिन 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इधर देखो इस लोन पेयर भी कॉन्जुगेशन में टेक पार्ट करेगा, साइक्लिक भी है, प्लैनर भी है, कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, लेकिन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ऐसे हम इसको पॉजिटिव चार्ज को भी हम देख सकते हैं, ये भी हो जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम। क्लियर? तो ऐसे हम डिस्कस करते हैं, पूरा का पूरा हम समझ लिया कि कैसा ये चारों का चार कंपाउंड होता है, क्लासिफिकेशन तो हमने समझ लिया फिलहाल। तो देखो इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना, एरोमेटिक सबसे स्टेबल होते हैं, उसके बाद होमो एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। क्लियर? ये है आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और अगर आप एरोमेटिसिटी का भी डिफरेंस होता है, मैं इसको और थोड़ा एग्जांपल देकर अगले क्लास में भी समझाऊंगा, क्योंकि अगले जो हमारा लेक्चर आएगा वो आएगा एरोमेटिसिटी का पार्ट 2, उधर हम कुछ और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो देख रहे हैं देखो एरोमेटिसिटी में बेंजीन, पिरिडिन, थायोफिन, पिरोल, फ्यूरन ऑल आर एरोमेटिक, लेकिन एरोमेटिक का जो वैल्यू होता है ना, जो एक्सटेंट ऑफ एरोमेटाइजेशन वो चेंज होता है, वो अलग होता है। बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है, उसके बाद पिरिडिन, थायोफिन, पिरोल, फ्यूरन। अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर आए ना तो ऐसे भी लिख देना, क्योंकि जो जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा वो तो उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा ना। तो देखो इधर ये तो ठीक है, 5 एग्जांपल है, लेकिन फिर भी आप एक निमोनिक से इसको याद भी कर सकते हैं। कैसे? वो निमोनिक देखो हम लिखते हैं, वो निमोनिक है बिहार पुलिस कॉट थीफ, बिहार पुलिस कॉट थीफ नियर अ पोल बट ही रैन अवे। क्लियर? बिहार पुलिस कॉट थीफ नियर अ पोल बट ही रैन अवे। बिहार पुलिस ने एक चोर को पकड़ा था, एक पोल के नज़दीक ही एक चोर को पकड़ा था, लेकिन वो चोर क्या हुआ, भाग गए। यह से कैसे लिख सकते हैं, देखो बिहार की जो है उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन करो, आपको शायद समझ आ जाएगा। पुलिस, पुलिस के नीचे अंडरलाइन करो, थीफ के नीचे अंडरलाइन करो, पोल के नीचे अंडरलाइन करो और रैन के नीचे अंडरलाइन करो।
देखो बिहार फॉर बेंजीन, बिहार फॉर बेंजीन, पुलिस फॉर पिरिडिन, थीफ फॉर थायोफिन, पोल फॉर पिरोल, रैन फॉर फ्यूरन। क्लियर, ऐसे भी आप समझ सकते हो। एरोमेटिक सिटी का ऑर्डर, बिहार पुलिस कॉट थीफ नियर अ पोल बट ही रैन अवे, बेंजीन ग्रेटर देन पिरिडिन, ग्रेटर देन थायोफिन, ग्रेटर देन पिरोल, ग्रेटर देन फ्यूरन, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरह से। एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं हम, दो क्वेश्चन है। पहला वाला सवाल देखो, ये सवाल, इस पूरा सवाल तो मैंने नहीं लिखा इधर, ये सॉरी आपका कैमरा तो ठीक नहीं था। ओके, अब तो दिखाई आ रहा है ना। ओके, पहला वाला सवाल देखो, ये बोल रहा है थी AgNO3 का PPT कहाँ आएगा। AgNO3 क्या करते हैं, अगर हमारा कुछ हैलाइड है ना, समॉट सम हैलाइड है, उस हैलाइड को पॉजिटिव चार्ज बना देता है, और इसमें Ag का सिल्वर का कोई सॉल्ट अगर आएगा तो AgX होकर उधर प्रेसिपिटेट पड़ जाएगा। इधर Br है, मतलब AgBr का प्रेसिपिटेट होगा, तो कहाँ प्रेसिपिटेट दिखने को मिलेगा। बोल रहे हैं कि इधर प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन इधर AgBr इज़ नॉट फॉर्म। अब क्यों ऐसा है, देखो AgBr का प्रेसिपिटेट होने में क्या चाहिए, ये Br को निकलना होगा एज ए Br माइनस, तभी तो वो Ag प्लस के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, Ag प्लस और Br माइनस हो जाएगा। तो देखो अगर इसको Br माइनस होना है तो इसको क्या बनना होगा, इसको बनना होगा ऐसे एक कैटायन, इसको ट्रोपीलियम कैटायन भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि 7 कार्बन है, और इससे हम क्या बना पाएंगे ऐसा एक कैटायन। देखो आप तो पहले देखा कि इधर कितना पाई बॉन्ड है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर 2 पाई बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा एरोमेटिक हुआ, पहला वाला एरोमेटिक हुआ, ये क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक हुआ, तो ये हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, और पहला वाला क्या हो गया, पहला वाला हो गया है आपका एरोमेटिक। तो एरोमेटिक तो होगा, एरोमेटिक होगा मतलब AgBr का प्रेसिपिटेट देगा, तो पहला वाला प्रेसिपिटेट देगा इधर PPT, बट इधर नो PPT, वाई, बिकॉज यर एंटी एरोमेटिक कार्बोकैटन, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटन, आई विल डिस्कस इट इन द रिएक्टिव इंटरमीडिएट चैप्टर्स। ओके, तो अगर आपको यह समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको देखकर कॉन्फ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं। ये क्या है, पोटाशियम है, ये क्या है, पोटाशियम है। पोटाशियम का मतलब क्या है, पोटाशियम एक मेटल है, एल्काली मेटल है, और ये एल्काली मेटल क्या होगा, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, समझा। तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करे, कैसे डोनेट करे, देखो हम ये जो कंपाउंड है ना, इसको हम सोच सकते हैं कि अगर ये बॉन्ड ऐसे रुकेगा, तोड़ेगा ऐसे एक हेटरोलाइटिक क्लीवेज, तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड फॉर्मिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो आप समझ सकते हैं कि इस कार्बन पे डिलोकलाइज हो गया, बॉन्ड फॉर्मिंग 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे डिलोकलाइज हो गया, तो इधर तो नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव आ गया, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो अगर ऐसा होगा तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 पोटेशियम से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव तो थे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आया तो न्यूट्रल होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो और एक नेगेटिव हो जाएगा ना। देखो जब ये नेगेटिव होगा ना, 2 to 4 to 6 to 8 to 10 pi इलेक्ट्रॉन, इफ देयर आर 10 pi इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इट इज 4 into 2 plus 2, तो हम इसको 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा बॉन्ड में रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा। अगर ये रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तो रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ये प्लेनर नहीं था, ये टफ शेप था पहले, लेकिन जब हम पोटेशियम दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन का सोर्स इसको मिल गया, तो इसको क्या हो गया, प्लेनरिटी अपना आप अचीव हो गया, प्लेनर भी हो गया, तो ये हम एरोमेटिक हो गया। देखो एक नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, आपको पता है एरोमेटिक का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो अगर एरोमेटिक का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक होगा, इस रिएक्शन होगा, और ये कंपाउंड फॉर्म भी होगा, समझा, ये कंपाउंड फॉर्म भी होगा। आज के क्लास हम यहाँ पर ही रोक रहे हैं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एक मॉलिक्यूल का, हम केस स्टडी करेंगे, वो केस स्टडी होगा हमारा क्रेग्स रूल, सीखेंगे क्या है क्रेग्स रूल, और उसके साथ इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कैसे इंड्यूस होता है वो भी सीखेंगे। अगले दिन हमारा लेक्चर भी आ जाएगा,
और उसके साथ साथ ही हम पढ़ते रहेंगे फ्रॉस्ट डायग्राम। फ्रॉस्ट डायग्राम हम पढ़ेंगे, फ्रॉस्ट डायग्राम पढ़ेंगे, थोड़ा NICS रूल ऐसा कुछ होता है वो भी हम पढ़ेंगे अगले वाला क्लास में, और तुम्हारा वो कुछ बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम तो हो गया फ्रॉस्ट डायग्राम, तो ऐसा कुछ हम एग्जांपल्स भी करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हमारा प्रीवियस ईयर्स से लेकर हम बहुत सारा एग्जांपल भी करेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही। हैप्पी लर्निंग।